एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। जो सैटेलाइट का मास दिया वो दिया स्मॉल एम, और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है वो अर्थ की सर्फेस से एच हाइट पर, इसका मतलब उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आर प्लस एच। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी इज द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट की वेलोसिटी पूछी ऑर्बिट में, तो सैटेलाइट के पास जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिट में उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, और वो होती कितनी है, वो होती है जी एम बाई आर। और उसमें कहीं सैटेलाइट का मास का कोई यूज़ नहीं होता, तो ये जो सैटेलाइट का मास दिया है इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आंसर दिया स्मॉल जी के टर्म्स में, स्मॉल जी जो है वो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, सो स्मॉल जी विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसमें आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ये बन गया स्मॉल जी, तो ये हो गया अंडर रूट स्मॉल जी आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर, और स्मॉल आर है क्या, वो है कैपिटल आर प्लस एच, तो द आंसर विल बी डी पार्ट। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज एल। आर डिस्टेंस पे जो रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल दिया है। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 16 आर देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी, नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल किसी एम मास का ऑब्जेक्ट वी की स्पीड से अगर आर की रेडियस में घूम रहा है तो एम वी आर। सैटेलाइट है तो ये जो वेलोसिटी होगी ये खुद आर की डिपेंडेंट होती है, और ये वेलोसिटी खुद आर पर डिपेंड करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कितनी होती है, तो एम ये होती है अंडर रूट जी एम बाई आर इंटू आर, तो ये बन गया आपका अंडर रूट जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर की पावर हाफ। तो अब इसमें बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है आर, और अंडर रूट आर के प्रोपोर्शनल है, तो आर अगर 16 आर हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम 4L के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है। अगर यहाँ आप 16 आर पुट करोगे तो अंडर रूट के बाहर क्या निकल के आएगा, 4, तो आंसर बनेगा डी पार्ट। द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज ए सैटेलाइट टू ए हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस टू दैट रिक्वायर्ड टू पुट इन टू द ऑर्बिट। हमें क्या करना है, अर्थ की सरफेस से एच हाइट तक पहले सैटेलाइट लेके जानी है। ये अर्थ की सरफेस, ये अर्थ है मान लिया, और अर्थ की सरफेस से एच हाइट तक हमें किसी सैटेलाइट को लेके जाना है, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मान लिया उसको कह देते हैं E1, और फिर सैटेलाइट को वहाँ से लॉन्च कर देना है ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट में स्टेबल कर देना है इसको, उसी एच हाइट के ऑर्बिट में स्टेबल कर देना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी E2। इनका रेशियो आपसे पूछा गया, तो E1 जो है, E1 जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, E1 की वजह से हो क्या रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ओवर आर प्लस एच माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ओवर आर। ये E1 जो जाएगा वो आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा, इसमें थोड़ा जी एम एम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R+H, तो एलसीएम आ जाएगा आर इंटू आर प्लस एच, तो ये आपका आ गया जी एम एम आर टाइम्स आर प्लस एच, तो आर प्लस एच इधर होगा माइनस आर इधर होगा, तो सिंपली क्या बचेगा एच E1, ये आ गया E1, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। E2 क्या है, E2 एनर्जी जो खर्च हुई है वो ही है उसको ऑर्बिट में स्टेबल करने में, तो E2 जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाएगी, ठीक, तो E2 अगर हम लिखें यहाँ पे, ये उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो होगी हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम बाई हाइट जो है वो आर प्लस एच है का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, ये आपकी आपकी आ गई जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स आर प्लस एच, इक्वेशन 2। और हमें इन्हीं दोनों एनर्जीज का रेशियो पूछा गया E1 अपॉन E2, तो जब आप रेशियो निकालोगे जी एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जो आर प्लस एच है आर प्लस एच वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसमें बचेगा एच बाई आर और इधर बचेगा 2, तो वो आपका आ गया एच बाई 2 आर, ये रेशियो होगा।
सो द आंसर विल बी ए पार्ट. ए बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट एट ए हाइट आर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर. अर्थ की भी रेडियस आर दी है और अर्थ की सर्फेस से आर हाइट पर एक बॉडी रेस्ट में रखी हुई है. फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ फ्री फ्री फॉल हो रहा है उसका, उसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं ऑन रीचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ. जब वो अर्थ की सर्फेस पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. उसमें सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल, सारी वैल्यू पुट करते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से गिराया गया. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनके बीच में जो गैप है वो 2R है. तो ये मान लिया मास कैपिटल एम, ये मान लिया स्मॉल एम मास. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2R. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई आर. जब वो सरफेस पे हिट करेगी तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी बची. सिंपल कैपिटल आर. बस सॉल्व कर लेते हैं. ये एम एम और एम कैंसिल आउट, टू में पूरे से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा. तो वी स्क्वायर इधर ही छोड़ते हैं, इसको इधर लेके आते हैं. तो टू जी एम बाई आर और इधर है माइनस जी एम बाई आर, तो सिर्फ बचेगा जी एम बाई आर. तो वी कितना हो गया, वी आपका हो गया अंडर रूट जी एम बाई आर. लेकिन आपको स्मॉल जी दिया है, स्मॉल जी क्या हुआ होगा, स्मॉल जी होगा एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो इसमें आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन गया आपका स्मॉल जी. तो ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट जी आर. बी पार्ट, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए एम के जी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2R. एल्टीट्यूड मतलब हाइट, यानी एक सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है इस तरह से. एक सैटेलाइट, ये मान लिया अर्थ की सरफेस है अर्थ, और एक सैटेलाइट उसकी सरफेस पर रखी हुई है. अर्थ की रेडियस कितनी है R. सरफेस से पहले तो हमें इसे 2R हाइट तक लेके जाना है और वहाँ से इसको लॉन्च कर देना है सर्कुलर ऑर्बिट में. ठीक, तो कितनी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, तो हमें दोनों काम करने हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है. तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जी एम एम बाई फाइनल डिस्टेंस है दोनों के बीच में 3R, माइनस ऑफ माइनस इनिशियल कितना है जी एम एम बाई आर. ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितना होगा, तो वी होगा अंडर रूट जी एम बाई डिस्टेंस कितनी है 3R. ये टोटल आने वाली है. तो ये बनेगा जी एम बाई आर जी एम एम बाई आर और ये माइनस 3 जी एम, तो ये बनेगा 2/3 टाइम्स जी एम एम बाई आर. प्लस यहाँ से कितना आने वाला है, तो यहाँ से आने वाला है 1/6 टाइम्स जी एम एम बाई आर. ऐसा करते हैं R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर लेते हैं, इसमें भी R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये जो पूरा फैक्टर हो रहा है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल g है, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो ये आपका बना एम जी आर, आ गया कॉमन दोनों टर्म में से, एक में है 2/3 और एक में है 1/6. बस आपको एलसीएम ले लेना है, एम जी आर तो रहेगा ही रहेगा, इनका एलसीएम लेके सेटल कर लेना है. तो ये हो जाएगा 6, 4+1, 5/6, 5/6 टाइम्स एम जी आर. सो द आंसर विल बी सी पार्ट. ठीक है, आपको सैटेलाइट को उठाना है और फिर लॉन्च कर देना है. तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी. ए बॉडी ऑफ सुपर कंडेंस मटेरियल विद ए मास ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ बट साइज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एच मच मच स्मॉलर देन आर अबव द अर्थ सरफेस. कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अर्थ है ये मान लिया और अर्थ सरफेस से एच हाइट पे एक स्मॉल एम मास है. नहीं, स्मॉल एम मास नहीं, अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है तो उसका मास ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम है, अर्थ के मास का डबल है वो.
और ये अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे, ये स्मॉल एच हाइट पे। स्मॉल एच जो दिया है वो आर के कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा दिया है, यानी उस रीजन में ग्रेविटी का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर अर्थ की ग्रेविटी का मान है आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी वो जी ही रहेगी, जी की वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। ठीक, तो इस हाइट से इसको रिलीज़ कर दिया जाता है और पूछा जाता है कितनी देर में वो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका मास बहुत हैवी है, तो अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो डेफिनेटली अर्थ भी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक, अगर ये नीचे मूव कर रही है एक्स वन, तो अर्थ कितना मूव करेगी, तो मान लिया एक्स टू, और रिलेशनशिप क्या बनेगी, तो रिलेशनशिप ये बनेगी एम वन एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू एम टू एक्स टू। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि ये टू एम और एम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं करेगा, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पर फिक्स रहेगा। तो अगर एम वन एक्स वन अंदर जा रहा है तो एम टू एक्स टू इस तरफ आ रहा होगा। एम की जगह क्या पुट करोगे आप, टू एम एक्स वन इज इक्वल टू अर्थ का मास एम इंटू एक्स टू, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो जो एक्स टू आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ एक्स वन आ रहा है। यानी अगर ये एक्स वन अंदर जा रहा है तो अर्थ जो x2 पर आ रही है, x2 ये खुद किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ x1 के बराबर है। ठीक, और जब ये मीट करेंगे तो दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो वो अर्थ दी है हाइट h, यानी x1 प्लस x2 कितनी है वो h के बराबर। x1 x2 खुद ट्वाइस x1 के बराबर है इज इक्वल टू h, तो जो x1 आपका आया वो h बाई थ्री आया। इसका मतलब जो पार्टिकल है सुपर डेंस पार्टिकल वो नीचे जाएगा कितना, h बाई थ्री, अर्थ कितना ऊपर आएगी, ट्वाइस एच बाई थ्री, और दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, एच। ठीक, तो इसको सिर्फ एच बाई थ्री नीचे आना है। अगर सरफेस तक पहुंचना है तो इसको सिर्फ कितना नीचे आना है, एच बाई थ्री, बाकी रिमेनिंग काम कौन कर लेगी, अर्थ। अर्थ खुद कितना ऊपर आ जाएगी, ट्वाइस एच बाई थ्री, और वो पार्टिकल जो है सुपर डेंस पार्टिकल वो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो एच बाई थ्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर ग्रेविटेशन का फील्ड कॉन्स्टेंट होता है तो जो टाइम लगता है एच डिस्टेंस गिरने में वो होता है अंडर रूट टू एच बाई जी, यही फॉर्मूला होता है सिंपल, अंडर रूट टू एच बाई जी। बस हमें एच की जगह क्या आपको पुट करना है, एच बाई थ्री, तो टू एच बाई थ्री जी आंसर मिल जाएगा आपको, सी पार्ट। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस कैपिटल आर अप्लाइज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू एफ वन ऑन ए पार्टिकल प्लेस एट ए डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का ये स्फीयर था, कैपिटल आर उसकी रेडियस थी, और एक पार्टिकल रखा गया जो कि टू आर डिस्टेंस पे, उस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, एफ वन। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, उस बड़े वाले सॉलिड स्फीयर में से एक आर बाई टू स्फीयर की कैविटी, ये आर बाई टू का एक स्फीयर काट के बाहर निकाल देते हैं। इस बड़े स्फीयर में से ये आर बाई टू का स्फीयर किसी भी तरह से काट के बाहर निकाल देते हैं। तो अब जो बचा है स्फेरिकल, अब जो स्फीयर बचा है स्फीयर विद ए कैविटी, ये जो बचा है ये उस पार्टिकल, जो पार्टिकल ए पे रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स अप्लाई करता है एफ टू उसी सेम पार्टिकल पे। तो आपसे एफ टू और एफ वन का रेशियो पूछा गया, तो एफ वन तो बहुत सिंपल है। एफ वन जो होगा वो सिंपली हो जाएगा, अगर मान लिया यहाँ पे मास जो है वो मान लिया स्मॉल एम है, इसका मास मान लिया कितना है, कैपिटल एम, तो वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, डिस्टेंस इनके बीच में टू आर थी, उसका स्क्वायर करेंगे फोर आर स्क्वायर। ठीक, अब एफ टू कैसे निकालेंगे, जब वो कैविटी क्रिएट हो गई उसके बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसने कितना फोर्स लगाया हुआ, ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। हम ये कहेंगे F2 जो होगा वो होगा जब पूरा स्फीयर होता है उसने जितना फोर्स लगाया होता है, यानी F1 में से ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसने जितना फोर्स लगाया होगा वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना लगाएगा वो फोर्स, तो अगर पूरे स्फीयर का मास एम है आर रेडियस का, तो आर बाई टू रेडियस के स्फीयर का मास होगा एम बाई एट। कैसे, ये तो ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होता है। अगर रेडियस हाफ हो गई है तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा तो मास भी 1/8 होगा। ठीक, तो जी एम की जगह लिखेंगे एम बाई 8, दूसरा मास तो स्मॉल एम ही रहेगा। डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी 3 बाई 2 आर, और उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये आ गया F2। F2 कैसे निकाल रहे हैं, पूरे स्फीयर के फोर्स में से छोटे वाले स्फीयर का फोर्स माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का फोर्स आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और F2 बाई F1 का रेशियो पूछा गया, तो जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। F1 है जी एम एम बाई फोर आर स्क्वायर
माइनस, ये है जी एम एम बाई एट और ये है नाइन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, फोर से कैंसिल करेंगे टू टाइम्स, तो ये आपका आ गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा वन बाई फोर माइनस वन बाई एटीन। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, एटीन इंटू टू एलसीएम आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 माइनस 2 तो F2 जो आपका आया वो आपका आया 7 बाई 36 जी एम एम बाई आर स्क्वायर। F1 जो आया है डिवाइडेड बाई F1 यही रेशियो पूछा है तो वो है जी एम एम बाई 4 आर स्क्वायर, तो ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका आ गया 7 इंटू 4 अपॉन 36, 7 बाई 9, तो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 बाई 9 डी पार्ट। मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M आर F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, ठीक है। जब एक यूनिफॉर्म स्फीयर है इसकी रेडियस दी है कैपिटल R और मास दिया कैपिटल M, वहाँ से R1 डिस्टेंस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 और उसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है F2। अभी पता नहीं है R1 जो है वो कैपिटल R से ज़्यादा है कम है, वो उस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। अगर R1 भी अब पहले यहाँ समझ लेना आपको, अगर R जो होती है कैपिटल R से छोटी होती है यानी पॉइंट जो है वो स्फीयर के अंदर है तब जो फोर्स होता है वो R के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फील्ड R के प्रोपोर्शनल है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है G वो R के प्रोपोर्शनल होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड R के प्रोपोर्शनल है तो जो फोर्स बनेगा mg वो भी R के क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट स्फीयर के अंदर है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्फीयर के बाहर है तो जो फील्ड होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं, अगर R1 कैपिटल R से छोटा है और R2 भी कैपिटल R से छोटा है यानी दोनों पॉइंट्स स्फीयर के अंदर ही हैं तो F जो होगा वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, F1/F2 मस्ट बी इक्वल टू R1/R2, क्लियर, ठीक है। अगर R1 ग्रेटर देन R है R2 ग्रेटर देन R है यानी दोनों पॉइंट्स स्फीयर के बाहर हैं, स्फीयर के बाहर हैं तो फोर्स R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना कि डायरेक्टली, और इसमें डायरेक्टली का रिलेशन दिया इसलिए गलत हो गया। अगर अंदर हैं दोनों पॉइंट्स तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिया इसलिए गलत हो गया। अगर दोनों पॉइंट्स स्फीयर के बाहर हैं तो फोर्स R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन है। F1/F2 जो दिया है वो R2/R1 का स्क्वायर दिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए पार्ट एंड डी पार्ट। बाहर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है बाहर स्फीयर के बाहर तो वो होती है gm बाई r स्क्वायर, और स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है gm r over r क्यूब स्फीयर के अंदर, तो ये r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और स्फीयर के बाहर r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज ve, एस्केप वेलोसिटी ve दी है, ए बॉडी वी मतलब अगर वी आप स्पीड दोगे तो इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए, जस्ट इन्फिनिटी तक चला जाए, यानी इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते वो ऑलमोस्ट उसकी स्पीड घटते घटते ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप वी काइनेटिक एनर्जी दोगे तो इन्फिनिटी तक जस्ट पहुँच ही पाएगा, यानी इन्फिनिटी पर जब वो पहुँचेगा तो वो कहाँ होगा, रेस्ट में, इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते वो रेस्ट में आ जाएगा। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2v, अब आप जो उसको दे रहे हो वो डबल डबल स्पीड दे रहे हो, 2 times v आपने सप्लाई करी है, तो अभी आराम से इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, और जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो रेस्ट में नहीं होगा, वहाँ पे भी चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बची होगी। विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी विल इट मूव इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, ठीक है,
जब वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे मतलब इस प्लानट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर हो जाएगा, तब वो कितनी स्पीड से इंटर प्लानिटरी स्पेस में मूव कर रहा होगा वो आपसे पूछा गया। इसको बहुत आसान समझना है आपको। अगर आप स्पीड वी देते हो तो जस्ट ये इन्फिनिटी तक पहुँच ही पाता है, जस्ट। यानी इसके पास इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होती है के ई कि जस्ट वो उसको इन्फिनिट तक पहुँचा देती है, ठीक। अब आपने स्पीड दी है टू टाइम्स वी, स्पीड अगर आपने डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी इसको जो मिलेगी वो फोर टाइम्स के ई मिलेगी, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे चार गुना ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें से फोर के ई में से एक के ई जो है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी इन्फिनिट तक पहुँचने में। जब भी इन्फिनिट पर पहुँचेगा तो थ्री टाइम्स के ई इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची होगी। तो स्पीड कितनी बची होगी, तो अंडर रूट थ्री वी। अगर थ्री टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बची हुई है थ्री के ई, तो स्पीड जो बची होगी वो कितनी बची होगी, अंडर रूट थ्री वी। तो आंसर क्या बन गया आपका, सी पार्ट। इसको पूरी इक्वेशन बना के करना चाहो तो पूरी इक्वेशन बना के आप कर सकते हो, ठीक। कैसे, अर्थ की सरफेस पे और इन्फिनिटी पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, वी नहीं है टू वी है। तो सीधे वैल्यू ही पुट करता हूँ मैं, टू टाइम्स वी ई कितना होता है, तो होता है अंडर रूट ट्वाइस टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। इन्फिनाइट पे जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एम एम और एम कैंसिल कर लेते हैं, माइनस जी एम बाई आर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर फोर, और ये टू एट, एट को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर बचेगा, फोर जी एम बाई आर, और ये कितना हो गया आपका, हाफ वी स्क्वायर। तो फोर जी एम बाई आर और माइनस जी एम बाई आर, तो ये बचा थ्री जी एम बाई आर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। वी हाफ को इधर ले आते हैं, थ्री को अलग रखते हैं और टू जी एम बाई आर अलग बना लेते हैं, हाफ को इधर ले आए हैं, और वी वी स्क्वायर है, वी निकालना है तो पूरे पे क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट। तो इस पर भी मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया और इस पर भी अंडर रूट चढ़ा दिया। ये है आपके एस्केप वेलोसिटी वी, और उसको कितने टाइम्स, रूट थ्री टाइम्स वेलोसिटी बची है। तो इंटर प्लानिटरी स्पेस में इन्फिनाइट पे जब वो पहुंचेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर जब वो पहुंचेगा, तो उसके पास वेलोसिटी बचेगी रूट थ्री टाइम्स वी, ठीक। अगर पूरी कैलकुलेशन करके करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है कि अगर टू वी दी है तो काइनेटिक एनर्जी फोर के ई मिली होगी, एक के ई तो खर्च हो जाएगी, बचेगी कितनी, थ्री के ई। तो स्पीड कितनी बची होगी, उसका रूट, रूट थ्री टाइम्स वी। सपोज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज इन्वर्सली एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अब ये कह रहे हैं डायरेक्टली डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका जो फॉर्मूला अब बनने वाला है, मान लिया अगर ऐसा होता कि जी एम वन एम टू ओवर आर, आर स्क्वायर नहीं होता, सिंपली क्या होता, आर। तो पूछ रहे हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की वो डिस्टेंस की पावर एन के साथ वेरी कर रही है, तो एन की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो कैसे करते थे इस तरह के क्वेश्चंस को, कि मान लिया ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, मान लिया सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक। ये अर्थ है, अर्थ का मास मान लिया कैपिटल एम है, ये सैटेलाइट मूव कर रही है, सैटेलाइट का मास मान लिया स्मॉल एम है, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो स्मॉल आर है। तो अंदर की तरफ लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स और बाहर की तरफ लगता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वहाँ से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करते थे। तो अंदर की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, अब आर स्क्वायर नहीं है, अब आर है। बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, एम से ये एम कैंसिल आउट हो गया। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही है सैटेलाइट की अर्थ के अराउंड, तो वो आ रही है अंडर रूट जी एम। अब इसमें आर आया ही नहीं, इसमें डिस्टेंस आई नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस की पावर जीरो के प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। डिस्टेंस की पावर जीरो के साथ वो वेरी कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बी पार्ट। लेट ई बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज ए सैटेलाइट टू हाइट स्मॉल एच अबव अर्थ सरफेस। ई जो एनर्जी है वो सैटेलाइट को एच हाइट तक रेज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो है ई, एंड
ई डैश बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट द सेम सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट एट दैट हाइट, और ई डैश जो एनर्जी है वो उसी सैटेलाइट को, सेम सैटेलाइट को उसी हाइट पे ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ई डैश है। तो ई अपॉन ई डैश आपसे पूछा गया है, तो ढंग से समझना है। मान लीजिए ये अर्थ है और किसी सैटेलाइट को हमें अर्थ से एच हाइट तक लेके जाना है, एच हाइट तक लेके आए हम एच हाइट तक किसी सैटेलाइट को, तो जो एनर्जी खर्च हुई वो है ई, और उसी सैटेलाइट को अगर ऑर्बिट में प्लेस करना हो तो एनर्जी जो खर्च हो रही है वो ई डैश है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर नहीं है कि जो ई डैश एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से उठा के ऑर्बिट की हाइट तक ले जाना और फिर उसको प्लेस करने में जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है ई डैश, और ई जो एनर्जी है वो सिर्फ उठाने उठाने की है। तो जो ई एनर्जी होगी आपकी वो सिर्फ उसको एच हाइट तक पहुँचाने की है, तो वो सिंपली ये होगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप सैटेलाइट को ऊपर उठा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होगी, तो वो सिर्फ होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर। तो अगर हम इसमें एलसीएम ले लें, जी एम एम बाहर ले लें, तो अंदर बचेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए इसमें, आर इंटू आर प्लस एच एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा। ये है एनर्जी ई वन, ई वन या ई जो भी नाम दिया आपने इसको। और जो ई डैश एनर्जी है वो उस सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से उठा के पूरा ऑर्बिट में लॉन्च करने की एनर्जी है। तो ई वन तो आपको रिक्वायर्ड होगी होगी, उसके अलावा उसको ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? जी एम बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो ये आपका ई वन तो जो था वो है ही जी एम एम एच ओवर आर प्लस आर इंटू आर प्लस एच, ये तो है ही। इसके अलावा कितनी एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी? तो ये आपकी आ रही है जी एम एम डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर प्लस एच। क्लियर? अगर इसको थोड़ा और सेटल करें हम, एलसीएम ले लें, टू टाइम्स आर प्लस एच, जी एम एम तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों फैक्टर्स में से, यहाँ बचेगा टू एच और इधर बचेगा आर, ये आ जाएगी आपकी टोटल एनर्जी ई डैश। अब आपको रेशियो निकालना ई ई ओवर ई डैश, ई ओवर ई डैश। कितना आने वाला है ई ओवर ई डैश? ई कितना है? ई आपका ये है ई या ई वन जो भी नाम दिया है इसको हमने, और ई डैश आपका ये है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो जी एम एम खत्म हो जाएगा, जी एम एम से जी एम खत्म हो जाएगा, आर प्लस है आर टाइम्स आर प्लस एच, आर टाइम आर प्लस एच खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा ऊपर एच, और इसमें जो बच रहा है वो बच रहा है टू एच प्लस आर, और डिवाइडेड बाई टू है, जो ये टू कहाँ पहुँच जाएगा? ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो टू एच डिवाइडेड बाई टू एच प्लस आर आंसर आ जाएगा आपका, टू एच डिवाइडेड बाई टू एच प्लस आर, सो द आंसर विल बी ए पार्ट। टू स्फीयर्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड टू एम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल डी, ए पार्टिकल ऑफ मास एम बाई फाइव इज प्रोजेक्टेड स्ट्रेट फ्रॉम टू एम टूवर्ड्स एम विद ए वेलोसिटी वी नॉट। यानी इस तरह की सिचुएशन है, एक स्फीयर है जिसका मास एम है, एक स्फीयर है जिसका मास टू एम है, और एक पार्टिकल है वो टू एम स्फीयर की सरफेस से फेंका जा रहा है। इस पार्टिकल का मास है एम बाई फाइव, कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है? वी नॉट से। किसकी तरफ? स्ट्रेट टुवर्ड्स एम, एम की तरफ फेंका जा रहा है इसको। ठीक, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, एक को इनमें से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम खुद से एनालाइज करें इस सिचुएशन में होगा क्या। अगर आपने इसको फेंका है तो पहले जब ये दूर जाता जाएगा एक कहीं पॉइंट यहाँ पे एक ऐसा मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट जिस पे दोनों स्फीयर्स की ग्रेविटी एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। वहाँ पे नेट ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? जीरो। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर आपने उसको इतनी स्पीड दिया है कि इस पॉइंट को अगर ये क्रॉस कर गया तो ये जो स्मॉल एम का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा।
और अगर आपने इसको इतनी स्पीड नहीं दी है कि ये इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया, इस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही कहीं रेस्ट में आ गया, तो ये जो 2m का ग्रेविटेशनल फील्ड है ये इसको इस तरह से वापस खींच लेगा। ठीक है, तो इसका अगर वेलोसिटी का वेरिएशन देखा जाए तो वेलोसिटी अगर इतनी सफिशिएंट है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा है, जहाँ पर दोनों स्फीयर्स के ग्रेविटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो पहले इसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी इस पॉइंट तक, और जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा इसकी स्पीड एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एम के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया और एम का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको खींच लेगा। इस रीजन में एम का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है और इस रीजन में 2m का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है। ठीक, तो पहले कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाएगी वेलोसिटी, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाएगी और उसके बाद जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा उसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक, जब वो इस पॉइंट पे होगा तब एक मोमेंट के लिए उसका एसलेशन क्या होगा, जीरो, एक मोमेंट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, जीरो, तो उसका एसलेशन भी कितना होगा, जीरो। ठीक, अगर आपने वी नॉट थोड़ा कम दी है, इतनी नहीं दी है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तो उसका पाथ कैसा होगा, वो जाएगा 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 और रेस्ट में आएगा और वहीं से वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस 2m के स्फीयर पे आ जाएगा। ठीक, जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बनेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये गलत है, पहले डिक्रीज करेगी और उस पॉइंट को क्रॉस करते ही इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, ये भी गलत है, इंक्रीज करने का तो सवाल ही नहीं है। एसलेशन ऑफ द पार्टिकल मे बिकम मोमेंटरली जीरो, ये ठीक है, एक मोमेंट के लिए एसलेशन जीरो होगा और वो उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे दोनों स्फीयर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पार्टिकल मे लिखा है, मे रिट्रेस इट्स पाथ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वी नॉट, बिल्कुल ठीक है, अगर वी नॉट की वैल्यू कम है तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर देगा, यहाँ से जाएगा और उसी पाथ पे रेस्ट में आके उसी पाथ पे वो वापस लौट आएगा। क्लियर, तो आंसर क्या बनेगा इसमें, सी पार्ट। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, इफ इट स्टॉप सडनली द स्पीड विद विच इट इज इट विल स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ अर्थ वुड बी, ठीक है, ढंग से समझना हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लिया ये अर्थ है, अर्थ की सर्फेस है और एक सैटेलाइट जो थी वो किसी हाइट पे होगी और कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही थी, वी नॉट से। अर्थ की सर्फेस से कितनी हाइट पे होगी या अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो वो डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। वी नॉट जो होता है, अगर अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो वो होता है अंडर रूट जी एम बाई आर। और अचानक से स्टॉप हो जाती है, क्यों स्टॉप हो जाती है, कैसे स्टॉप हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं, अचानक से रुक जाती है और जैसे रुकेगी तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो फोर्स तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ और वो उसको सैटेलाइट को नीचे खींचेगा, तो अर्थ सर्फेस पे कितनी वेलोसिटी से आगे हिट करेगी वो वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, बस क्या करना है, ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। अब ए पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक तो जीरो होगी, अचानक से रुक गई थी सैटेलाइट, पोटेंशियल कितनी होगी, तो माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर, ठीक, इज इक्वल टू सरफेस पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वही वी आपको फाइंड करना है, पोटेंशियल माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। अब जरा देखना, ये जी एम ओवर स्मॉल आर जो है वो बेसिकली वी नॉट स्क्वायर है। क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं जरा, तो माइनस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। अगर ये एम एम और एम कैंसिल कर लें और टू से पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू जी एम बाई आर। ये टू जी एम बाई आर क्या है, तो अंडर रूट जी एम बाई आर जो होता है वो होता है आपका वी ई, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये अंडर रूट नहीं है, तो ये बेसिकली वी ई का स्क्वायर है और इस वी के स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो वी का स्क्वायर माइनस टू वी नॉट स्क्वायर, ये आपका आएगा वी स्क्वायर के बराबर। तो वी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस टू वी नॉट स्क्वायर, सो द आंसर विल बी डी पार्ट। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास स्मॉल m गो राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हो क्या रहा है, मान लिया एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये एम एम मास के दो पार्टिकल हैं,
ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये स्टेबलाइज कैसे हैं? तो सर्कुलर मोशन में जब ये सर्कुलर मोशन करेंगे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इनमें आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उससे बैलेंस हो रहा होगा। ठीक, इसी तरह से इस पार्टिकल पे जो भारी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो इस पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उससे बैलेंस होगा। ठीक, इक्वेशन इक्वेशन बहुत सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर ओवर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो वो होगा जी एम वन एम टू ओवर इनके बीच में डिस्टेंस है 2r, डायमीटर के बराबर होगी, 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर। तो बस r से एक r कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो v जो आ जाएगा आपका अंडर रूट जी एम बाई 4r, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बाई 2 अंडर रूट जी एम बाई r आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस R अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे पिछले केस में दो पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन मूव कर रहे थे, अब यहाँ पे चार पार्टिकल हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी इसमें, एक पार्टिकल मान लिया यहां होगा, ठीक, एक पार्टिकल यहां होगा, चार हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सर्कल पे ऑर्बिट में, एक यहां होगा और एक यहां होगा। ठीक, अब मूव कैसे कर रहे होंगे वो आपको ढंग से समझना है। ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरह होगी v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, सॉरी ये नीचे की तरफ आ रहा होगा v वेलोसिटी से, और ये इस तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी से। अब किसी भी एक पार्टिकल को देखें, मान लिया हमने इस पार्टिकल को देख लिया, तो अगर ये v वेलोसिटी से r की रेडियस में घूम रहा है तो इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, कितना लगेगा वो m v स्क्वायर ओवर रेडियस r। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? तो इसमें इसका सिर्फ इस वाले एम का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, इसमें इस एम वाले इस एम का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इस एम का भी ग्रेविटेशनल, ये तीन एम जो बच गए इन तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट होगा। तो इस वाले एम का ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इस वाले एम का ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस वाले एम का ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ लगेगा और वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा। ढंग से समझना, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, एक सर्किल में दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तीन मूव कर रहे हैं, चार पाँच दस कितने ही मूव कर रहे हैं, तो किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ोगे उस पर बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन उन सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ लगना चाहिए, सेंटर की तरफ, और वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा। एक तरफ तो है एम वी स्क्वायर ओवर आर और दूसरी तरफ है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जरा ढंग से देखना, अगर ये स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर बनाएंगे, ये चारों को अगर मिला दोगे आप तो ये क्या बनाएंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर में दो साइड्स के बीच में एंगल 90 होता है, तो अगर ये फोर्स एफ है और ये फोर्स एफ, तो इनका रिजल्टेंट एफ रूट टू होगा, होगा कितना ये, तो इसको जरा ढंग से समझना। रेडियस अगर आर है, ये रेडियस भी आर होगी, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी बनेगी, आर रूट टू। इसका नाम अगर f रखें तो f की वैल्यू कितनी आने वाली, तो f की वैल्यू आने वाली है आपकी g m स्क्वायर ओवर r रूट टू का स्क्वायर, दैट विल बी 2r स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा आपका, f, f और f का रिजल्टेंट f रूट टू होगा, तो एक तो हो गया f रूट टू, f रूट टू प्लस इस वाले ने m ने कितना फोर्स लगाया होगा, तो वो नाम दे देते हैं उसको, उसने फोर्स लगाया f डैश, f डैश कितना होगा, तो f डैश जो होगा वो आपका होगा g m1 m2 अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2r है, 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वो होगा f डैश प्लस f और f का रिजल्टेंट f रूट टू। बस अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देनी है हमको और हमें v मिल जाएगा आपको, देखते जाना है आपको। f कितना है, f था gm स्क्वायर ओवर 2r स्क्वायर,
इंटू रूट टू प्लस एफ डैश कितना होगा, तो वो हो जाएगा जी एम स्क्वायर ओवर फोर आर स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एक एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर जो आया आपका वो आया, ये रूट टू से कैंसिल करेंगे तो ऊपर ही रहने देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा रूट टू जी एम ओवर टू आर प्लस जी एम ओवर फोर आर, फोर आर एल सी एम ले लेते हैं। अब बस कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, तो ये हो गया टू रूट टू जी एम प्लस जी एम वी स्क्वायर, तो वी आपका आ जाएगा जी एम ओवर आर तो आ गया बाहर, अंदर जो बचेगा वो बच रहा है टू रूट टू प्लस वन बाई फोर, और इस पूरे का अंडर रूट ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा डी पार्ट।